सोलन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने प्रेस वार्ता की अध्यक्षता करते हुए सोलन जिले का चहुंमुखी विकास करना और जिले को आदर्श बनाना उनकी प्राथमिकता बताई। उन्होंने कहा कि सोलन जिले में सड़कों का सुधार एवं गांव-गांव को संपर्क मार्ग से जोड़ना, स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक सुधार लाना, सभी विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरना, जिले के प्रत्येक व्यक्ति के लिए पेयजल सुलभ बनाना तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाना उनका लक्ष्य रहेगा। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि उनकी प्राथमिकता बीआईपी कल्चर को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के साथ तैनात पायलट पुलिस का उपयोग अब कानून व्यवस्था सुधारने में किया जाएगा। मंत्रियों के स्वागत के लिए बच्चों को कतार में खड़ा करना और साथ फूल मालाएं और पुष्प कुछ भेंट करने में पूर्ण तरह रोक लगाई जाएगी और जिस तरह देश के प्रधानमंत्री ने बीआईपी कल्चर को खत्म करने की मुहिम चलाई है, उस मुहिम को सफल बनाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। जैसे बुके पकड़ाने के लिए, मालाएं देने के लिए, शॉल और टोपी का कल्चर जिस प्रकार से, तो ये सब समाप्त होना चाहिए। मंत्री के आगे जो है पायलट दौड़ रही है, क्यों पायलट दौड़े मंत्री के आगे, उसमें 5 पुलिस विभाग के लोग बैठ करके वो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करें, वो वीआईपी सुरक्षा में क्यों लगे हैं वो, तो ये वीआईपी कल्चर बिल्कुल इसको समाप्त करें। और स्कूलों में जिस प्रकार से बच्चों को कतार लगा करके वीआईपी का स्वागत करने के लिए, हम बचपन से उनके अंदर जो है वो बीज हम डाल रहे हैं कि आपको जो है नेताओं के स्वागत के लिए इस प्रकार से खड़ा होना है, तो इस सबको मैं समाप्त करूंगा। और मैंने तो अपने पूर्व के जो मेरे 2 कार्यकाल रहे हैं उसमें भी मैंने जो है इसको लेकर के जो है वो कदम उठाए हैं। मालाएं हमने बंद कर दी थी, बच्चों का कतारों में खड़ा होना हमने बंद कर दिया था, शॉल टोपी हमने बंद कर दी थी, तो इसको और भी ज्यादा जो है इसको हम इसमें सुधार लाएंगे।